काले जादू का एक ऐसा मंदिर जो लोक तत्व के बुद्ध यानी संसद जैसा दिखता है। सदियों पुरानी एक इमारत जिसे तंत्र मंत्र की साधना का विश्वविद्यालय कहा। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ कोई टीचर नहीं दिखता, जहाँ कोई छात्र भी नहीं दिखता, जहाँ कोई क्लास नहीं दिखती, लेकिन जिसे आज भी लोग तांत्रिक विश्वविद्यालय कहते हैं। आज एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी से रूबरू कराने के लिए न्यूज नेशन आपको लिए चलेगा मध्य प्रदेश के मुरैना। क्या कभी आपने कोई ऐसा विश्वविद्यालय देखा है जहाँ न स्टूडेंट हो और न अध्यापक, जो अंदर से एक मंदिर की तरह नजर आता हो और बाहर से लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद की तरह? इस विश्वविद्यालय को तांत्रिकों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। आइए आपको इसी विश्वविद्यालय से रूबरू कराने के लिए ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में, जहाँ आज भी कभी कभार रात्रि को तांत्रिक तंत्र मंत्र साधना करते नजर आ जाते हैं। ये अजूबा विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के मुरैना, वही मुरैना जहाँ चंबल के डाकुओं का खौफ पसरा रहता है, जो बीहड़ और बंदूक के लिए खास तौर पर जाना जाता है, जहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी ऊंची कि पर्यटक आने से यहाँ कतराते हैं। लेकिन एक अजूबा है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। खूबसूरत वादियों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए न्यूज नेशन की टीम इसी अनूठे विश्वविद्यालय की खोज में मुरैना से करीब 40 किलोमीटर दूर मितावली गांव की ओर बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद ऊंची पहाड़ी पर बनी खूबसूरत इमारत नजर आने लगी। वही तांत्रिक विश्वविद्यालय जिसकी खोज में निकली थी न्यूज नेशन की टीम। पथरीले और सकरे रास्तों से गुजरते हुए हम मितावली गांव पहुंचे। मंजिल करीब थी लेकिन तांत्रिक विश्वविद्यालय तक पहुंचना अभी भी बाकी था। हमारे सामने थी सीढ़ियां पार करने की चुनौती। आखिरकार 125 ऊंची नीची सीढ़ियों को पार करने के बाद हम उस यूनिवर्सिटी के सामने थे। अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में, और मुरैना में आने के बाद सबसे पहले हम मितावली गांव पहुंचे। मितावली गांव से हम इमारत में मौजूद 64 योगिनियों के सामने बैठकर तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए अगर साधना की जाए तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। देखिए, तंत्र में 64 योगिनियां होती हैं और भगवान शंकर इन सबके मालिक होते हैं, और भगवान शंकर के जो 11 अवतार, ये जो चित्र दिख रहा है इसमें आप गिनेंगे 11, बीच में भगवान शंकर स्वयं बैठे हुए, और यही एक ऐसा अवशेष इसमें बचा है पूरे सभी 64 स्थानों पर जिसमें ये उनकी प्रतिमाएं सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात ये कि तंत्र में ये नियम है कि जब तक कि आप योगिनियों को सिद्ध नहीं कर लेते, आपको किसी भी देवी देवता की साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि किसी भी देवी देवता की साधना में अगर रुकावट डालती हैं तो योगिनियां डालती हैं। योगिनियां आपको साधना पूर्ण नहीं होने देगी। लोभ से, लालच से, प्रलोभन से, रोग से, रुकावट से, बाधा से, व्यवधान से, मोहग्रस्त करके, आकर्षण, वशीकरण या पाश, इस प्रकार से 64 योगिनियों के पास में अलग अलग अस्त्र होते हैं। तो जैसा कि ये टूरिस्ट हमारे साथ हैं नरेंद्र जी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर तंत्र मंत्र को सीखने के लिए वो सारी कलाएं मिलती हैं। सबसे बड़ी बात कि पहले यहाँ योगियों को सिखाया जाता था, उसके बाद जो लोग यहाँ आते हैं वो तंत्र मंत्र को सीखते हैं, और तंत्र मंत्र की सिद्धि तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो यहाँ आकर इस मितावली में, इस तांत्रिक विश्वविद्यालय में भगवान शिवलिंग के दर्शन नहीं करता और इन जो जो यहाँ पर योगियां हैं उनके दर्शन नहीं करता। ये भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो मूर्ति है यहाँ पर, ये पहली जो मूर्ति है योगियां बनी हुई है, इसके ऊपर आप साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं, 11 योगियां बनी हुई है यहाँ पर, 11 योगियां बनी हुई है, इसके साथ साथ बीच में भगवान शिव की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो ऐसी तस्वीरें जो है वो साफ आपको नजर आएंगी। इंकटेश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस विश्वविद्यालय में स्थानीय लोगों की भी आस्था है। विश्वविद्यालय के परिसर में बने शिवलिंग की पूजा करने के लिए आसपास के गांव से लोग रोज यहां पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो मुराद कभी नहीं पूरी होती वो मुराद
यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से जरूर पूरी होती है। आखिर इस स्थान पर ऐसा क्या है कि इसे तांत्रिक विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसे 64 यमुने का मंदिर भी कहा जाता है, जैसा कि हमने दिखाया कि किस तरह से हर कमरे में यहाँ पर एक शिवलिंग तैनात है। क्या खासियत है, क्या कुछ यहाँ देखने को मिला और ये कब कितना पुराना है, इन सब बातों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। तो इसको तांत्रिक विद्यालय इसलिए कहा जाता है कि ये 64 योगिनी है, इसको कभी पूरा ये गिनती में नहीं आता है, कभी 64 आता है तो कभी 65 आता है। तंत्र मंत्र और काले जादू की दुनिया के लोगों के लिए ये केंद्र 9वीं शताब्दी में तैयार हुआ। कहते हैं कि प्रतिहार वंश के राजा ने ये विश्वविद्यालय बनवाया था। लाल और बलुए पत्थर से इसे गोला का ढांचा दिया गया, 64 कमरे बनवाए गए और हर कमरे में एक शिवलिंग के साथ एक योगिनी की मूर्ति लगवाई गई। लेकिन जब इमारत खंडहर में तब्दील होने लगी तो योगिनियों की मूर्तियों को संग्रहालय ले जाया गया। इमारत में आज भी जानकारों को कमाल की कारीगरी दिखती है। मेतावली गांव में एक बाय रोड जाते हैं और वहाँ पर डांबर रोड से ऊपर जब चढ़ते हैं सीढ़ियों के द्वारा, एक उसका पूरा गोलाकार बना हुआ है जो संसद नुमा, ऐसा माना जाता है कि संसद का नक्शा यहाँ से मुरैना के मेतावली ग्राम से ही गया है, क्योंकि तो गोलाकार है और बहुत ही अच्छी बेजोड़ नमूना और उसका जो शैली है बहुत अच्छी बनी हुई है। ये गोलाकार बना हुआ है जिसमें लगभग 64 कमरे हैं और इस कमरे के अंदर, प्रत्येक कमरे के अंदर एक शिवलिंग और योगिनी हुआ करती थी जो विशेष पूजा के लिए इनको काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और बीच में इनको जो अपन एक मास्टर शिवलिंग कहते हैं, वो मास्टर शिवलिंग होता था, तो उसके विशेष पूजा यहाँ की जाती थी और आज भी यहाँ तंत्रक्रिया करने के लिए लोग आते हैं। खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।